गोपाष्टमी से एक दिन पहले ये गाय और इसका बछड़ा हमारे यहाँ आया। इसका नाम हमने रखा है गोपा और इसका अष्टमी। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि भाई जो आज के दिन गाय की पूजा करता है उसको सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उस पर कोई संकट भी नहीं आते। जो बात मेरी समझ से बाहर है वो ये कि जो गाय खुद इतनी दयनीय स्थिति में है उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें सुख समृद्धि और सौभाग्य दे सकती है और साथ ही साथ संकट से निवारण भी। क्या मुमकिन है कि हमारे पूर्वजों को पहले से ही गाय की दुर्दशा का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन्होंने गाय को हमारे स्वार्थ और हमारे धर्म से जोड़ा। पर जिससे हमारा रिश्ता स्वार्थ का होता है ना, उसको हम पालते नहीं, उसका शोषण करते हैं। और रही बात धर्म की, तो उसका प्रचार आसान है और उसका पालन मुश्किल। और शायद इसीलिए हमारे धार्मिक देश में गाय की आज ये दुर्दशा है।